माय गॉड, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और दृश्य है वो भी काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य जो कि कोहरा से ढका हुआ है। ये दृश्य देख रहे हैं कोहरा से ढके हुए घाट। आज हमें फीलिंग हो रही है कि हम आज कुछ हिल स्टेशन पे आए हैं, हरिद्वार पे नहीं, क्योंकि ऐसा दृश्य जो हिल स्टेशन पे देखने को मिलता है हरिद्वार में काफ़ी दिनों बाद फिर से देखने को मिल रहा है ऐसा ये दृश्य यहाँ पे। हम आ चुके हैं सुबह सुबह हर की पैड़ी में और हर की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। सुबह सुबह का जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा शानदार और मन को लुभा देने वाली होती है। ये वाली मार्ग ऋषिकेश वाली मार्ग है और यहाँ पे आग जलाया जा रहा है। काफ़ी तेज ठंडी अचानक हुई है और कोहरा आप देख रहे हैं। कोहरा यहाँ से आपको जो दृश्य देखने को मिलेगा वो है माँ मनसा देवी का टेम्पल, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहा होगा। पिछले दो दिनों की वीडियो आप देखिएगा, स्पष्ट आपको यहाँ से जो दृश्य है वो काफ़ी शानदार वाला देखने को मिलेगा, लेकिन आज कोहरा कोहरा सा दिखाई दे रहा है। लाइट भी सारे जगहों के लगभग ऑन है और काफ़ी ज़्यादा तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं और माँ गंगा की दिव्य दर्शन आप अभी कर रहे हैं विष्णु घाट से। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और माँ गंगा की धारा में आप देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु यहाँ से कुछ पॉलिथीन देख देते हैं तो ऐसा ना करें और श्रद्धालु की संख्या आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। कुछ फॉरेनर आए थे अभी आपने देखा वहाँ पे जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ठंडी काफ़ी ज़्यादा आज डरा देने वाली अचानक से बढ़ा है। जगह जगह आपको आग सेकते हुए लोग दिखाई देंगे और ये है काफ़ी शानदार वाले दृश्य। आपको चारों ओर श्रद्धालु की संख्या दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूजा की विधि भी चल रही है और कोहरा भी आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा चारों ओर। यहाँ पे पहाड़ है जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से स्पष्ट देखने को मिलता था माँ मनसा देवी का टेम्पल का, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कल दोपहर 2 बजे तक का दृश्य कुछ इसी प्रकार का था। सुबह सुबह ऐसा दृश्य आज देखने को मिल रहा है और अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ठंडी की है शायद सुबह और शाम होगी, लेकिन अगर ऐसा मौसम बन गया तो आपको ठंडी पूरे दिन लगने वाली है। ऐसा मौसम पिछले 2 दिनों से तो बिल्कुल अच्छा मौसम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और कल 2 बजे तक ऐसा दृश्य देखने को मिला, 2 बजे के बाद मौसम खुल गया था और काफ़ी तेज धूप आ गई थी। अब यहाँ पे फिर से सजना स्टार्ट हो चुके हैं दुकान। यहाँ पे सारे दुकान हटा दिए गए थे लेकिन अब फिर से सजना शुरू हो चुके हैं। आप श्रद्धालु की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है और बहुत जल्दी महाशिवरात्रि भी आने वाली है। और महाशिवरात्रि में तो आपको पता ही है यहाँ पे हर हर महादेव के जो नारे हैं वो गूंज उठते हैं। ये है मंदिर, ये है शिव घाट और शिव घाट में जो दृश्य देखने को मिलता है काफ़ी अद्भुत और काफ़ी शानदार है। अभी पत्ते झड़ गए हैं, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और हम अभी आ चुके हैं शिव घाट में, तो चलते हैं आगे की ओर। सारे घाटों का दृश्य इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है, खास तौर पर गऊ घाट से आपको हर की पैड़ी तक। हर की पैड़ी का दृश्य काफ़ी शानदार होता है और आज का दृश्य पूरी तरह से आपको कोहरा से ढका हुआ घाटों का दृश्य देखने को मिल रहा होगा और साथ में काफ़ी तेज हवा चल रही है और श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है आज यहाँ पे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं था ऐसे जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, लेकिन अब सारे सामान सज चुके हैं तो रौनक सारे ओर देखने को मिल रही है, चाहे वो दुकानों की हो या फिर कोसों दूर श्रद्धालु जो डुबकी लगाने हरिद्वार आते हैं उनके। आप देख रहे हैं माय गॉड, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और दृश्य है वो भी काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य जो कि कोहरा से ढका हुआ है। आज हमारे हरिद्वार में ही ऋषिकेश और मसूरी का दृश्य देखा जा सकता है। हिल स्टेशन वाली फीलिंग आज आ रही है, चारों ओर ढके हुए कोहरे से
दृश्य। ये है शिव ब्रिज और शिव ब्रिज में हम अभी पहुंचने वाले हैं। शिव ब्रिज में दो मार्ग से आ सकते हैं, एक तो हम आ रहे हैं ए बी ऋषिकेश बाईपास से ही आ रहे हैं, एक यहीं से ही आपको मार्ग डायरेक्ट ऋषिकेश बाईपास की ओर लेके जा रहा है। ये वाली मार्ग भी ऋषिकेश बाईपास की ओर जा रहा है और हम आ चुके हैं शिव ब्रिज में। जो दृश्य है वो काफी ज्यादा हटके और काफी ज्यादा शानदार वाली। जल पिछले दिनों की तुलना में आज कम हो चुकी है, लेकिन पारदर्शिता आपको देखने को मिल रही होगी उतना ही है। यह दृश्य देख रहे हैं कोहरा से ढके हुए घाट। आज हमें फीलिंग हो रही है कि हम आज कोई हिल स्टेशन पे आए हैं, हरिद्वार पे नहीं, क्योंकि ऐसा दृश्य जो हिल स्टेशन पे देखने को मिलता है हरिद्वार में काफ़ी दिनों बाद फिर से देखने को मिल रहा है। ऐसा ये दृश्य यहाँ पे काफ़ी बार देखा जा चुका है और आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारा वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उधर सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों आपको जरा भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि कोहरा चारों ओर है और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, बर्फीली हवा चल रही है। और आज का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। कल काफी तेज धूप 2 बजे के बाद देखने को मिल रहा था, शायद आज भी तेज धूप आ जाए ऐसा संभावना है। वाला जो ब्रिज है वो है हाथी वाला ब्रिज, हम शिव ब्रिज में खड़े हुए हैं और वो वाला जो ब्रिज है वो धनु ब्रिज। तीनों ब्रिज प्रमुख ब्रिज है और तीनों ब्रिज का यूज किया जाता है। ये आप देख रहे हैं सामने जो जा रहे हैं श्रद्धालु, इनको शायद ठंडी ना लग रही हो क्योंकि काफी लोग आप देख रहे हैं दो दो तीन तीन गर्म कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ से मेन घाट स्टार्ट हो जाता है और यहीं से ही सारे श्रद्धालु की संख्या देखने को आपको मिलती है। देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है और माँ गंगा की धारा पिछले दिनों की तुलना में आज काफ़ी कम गति से आगे की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।